हाँ पूछिए सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा सनी देओल कैसी हैं आप बेबी या बेबी सबसे पहले पूछना चाहूंगा सनी देओल आए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे कितनी बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है ये हमारे भोजपुरी के लिए हिंदी के लोग भी अगर आते हैं तो हमारा भोजपुरी इसका मतलब हर आदमी जानता है हमारे भोजपुरी को और फर्क पहुंचा है इससे जाहिर होती है आप फंक्शन पे आए दिनेश अलिमा फिल्म में है क्या कहना चाहेंगे बारे में कि एक्ट के बारे में खासकर आपने ट्रेलर देखा सबसे बड़ी चीज़ है कि दिनेश भी हमारे दर्श हैं और बड़े भाई हैं और मैं जितना अपने पापा को मानता हूँ उतना दिनेश लाल यादव जी को भी मानता हूँ क्योंकि मैं जब एक्टिंग के दुनिया में आया तो शायद मुझे एक्टिंग पता नहीं था लेकिन इनकी फिल्मों को देख और काफ़ी कुछ सीखा मैंने इनसे और काफ़ी कुछ देखकर मुझे अनुभव हुआ है और उनके एक्टिंग पे उंगली उठाना मेरे बस की चीज़ नहीं है क्योंकि मैं आज भी उनसे कुछ सीखता हूँ और वो मेरे आदर्श हैं फिर सारी बातें ख़त्म है आप एक से एक पे खेले जा रहे हैं क्या मंत्र आपके ड्रामा पे का है लोग काफी पसंद कर रहे हैं फिल्मों को कामयाबी देखिए हमारी कामयाबी हमारी पब्लिक है और हमारी पब्लिक जब तक मुझे पसंद करती है मैं उनके दिल के राजा बन के हूँ तो मेरे लिए ईश्वर मेरे गार्जियन मेरे आदर्श मेरे हर वो चीज़ मेरे सुख मेरे दुख मेरी जिंदगी जो भी है मेरी पब्लिक है जो मेरी ऑडियंस है मैं उसको सत सत नमन करता हूँ कि मेरी भी उम्र मेरे ऑडियंस का लोग ताकि मैं काफ़ी दिन तक हो रहे हैं और काफ़ी दिन तक हमें प्यार देते रहे और आशीर्वाद देते रहे अभी मेरी फिल्म लगी है अभी इंतकाम और मैंने अभी लगातार इधर 9 फिल्में साइन किया और फिल्म साइनिंग लौटा दी है मैं साल की 4 से 5 ही फिल्म कर रहा हूँ जो कि बड़ी बजट की फिल्में हैं और अच्छे से करूँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा थैंक यू ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हिंदी के इतने बड़े स्टार और भोजपुरी के ट्रेलर पे आए उन्होंने खुद ने लॉन्च किया हमारा म्यूजिक लॉन्च मूवी का गुलामी का तो आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाँ सनी जी आ रहे हैं सनी देओल जी आ रहे हैं इवन जो हमारी ऑडियंस है वो भी उनको बहुत प्यार करती है बहुत चाहती है देखिए जब मूवी का नाम है गुलामी तो अभी आप जान सकते हैं कि कब की कहानी होगी ये कुछ पहले के टाइम की कहानी है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था आज़ाद होने की कगार पे था तब स्टोरी है ये और जहाँ तक मेरी बात है तो शुभी शर्मा तक हमेशा दिखिए रोमांटिक करेक्टर में चुलबुली सी ठीक है लड़की इस बार पहली बार मुझे अजय जी ने मौका दिया बाय टीनू वर्मा जी डायरेक्टर ने मुझे चुना इस रोल के लिए मैंने इसमें इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है एक्शन फाइट फुल ऑन नो रोमांस बट हाँ एक पॉइंट पे जाके रोमांस भी कहीं ना कहीं आ जाएगा और डायरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा एक्शन डायरेक्टर इतने नामी डायरेक्टर अब उनकी फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हैं किस तरह के डायरेक्टर हैं डायरेक्टर की जहाँ तक तारीफ करें वो बहुत कम है क्योंकि वो डायरेक्टर इवन बहुत अच्छे हैं कैसे सेट पे हमने काम किया उनके साथ में सर के साथ में बिल्कुल पता ही नहीं चला पहले लगता था कि यार एक्शन डायरेक्टर है माय गॉड क्या होगा बट बहुत प्यार से हम लोगों के साथ में कुछ भी सीन समझाना होता था हम लोगों को बड़े प्यार से उन्हें टैकल किया कब जो शुरू हुई कब खत्म हुई नहीं चला पता टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे उनके साथ काम करने का चांस मिला वेलकम देखिए आदमी का रिश्ता बोलता है ये देखो सनी देओल से बड़े बड़े लोग मेरे साथ आए हुए मेरे भोजपुरी फिल्म के लॉन्च में आदमी का एक अपना रेपो होता है एक रिलेशन होता है जब आदमी को एक अपने मुकाम पे पहुंचने के बाद एक रेपो बनता है किसी के साथ मेरा उनका फैमिली आज जो स्टेज पे मैं खड़ा हूँ मैंने आपको बताया 1979 से लेके 2015 तक आदमी ने मेरा साथ दिया और उसकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ इससे बड़ा और क्या रिलेशन हो सकता है और आज जो 2 साल के बाद प्रेस में आए हाँ वो आ रहे हैं और वो मेरा रेपो है और उसी का मेरा सब ये है फिल्म में एक्शन करना डायरेक्शन करना वैसे एक्टिंग करना ये कितना बड़ा चैलेंज है किसी भी देखो सब कुछ मैंने पहले ही पेपर पे वर्कआउट किया था सब स्टोरी बोर्ड बनाया था एक्शन का ये पूरा मैंने अपनी प्लानिंग की थी 22 दिन में शूटिंग की लेकिन प्लानिंग मेरी 1 साल से चल रही थी गाना सीन्स एक्शन से करना कैसे काम करना ये उसके हिसाब से वर्कआउट किया था मैंने और दिनेश नाल इस फिल्म के लिए सबसे प्रॉपर क्यों दिनेश जी का डबल रोल है इस पिक्चर में आप लोगों को पता नहीं होगा डबल रोल है दिनेश जी का जब दिनेश जी को ये मैंने कहानी सुनाई से 1 साल पहले तो मैंने ये जो पिक्चर का प्लानिंग 1 साल पहले दी फिर किस कारणवश पाकी के साथ हम बनाने वाले थे फिर हम ये किया फिर अभय भैया को सुनाया फिर भोजपुरी बंद कर दी थी 2006 के बाद अब मैंने जब किया तो मैंने आना है बड़े वे में आओ बिग वे नहीं तो आदमी का छोटे छोटे गेम खेलने का फायदा नहीं ना 20-20 मत करो
करना है तो पूरा पूरा 5 डे करो, एकदम पिक्चर बनाओ तो भोजपुरी में पता चले कि इतनी बड़ी पिक्चर भी बन सकती है। तो वो दिमाग में रखते हुए फिर अभय भैया जी, समीर जी और जो मेरे जो प्रोड्यूसर है, तीनों प्रोड्यूसर ने हिम्मत करके टीनू वर्मा को साइन किया और टीनू वर्मा ने अपना प्रूव करके बताया। सवाल हिंदी पर भी काम कर रहे हैं आप? हाँ, अभी मेरी दो तीन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मेरा उसके बारे में। अभी मैं हाँ इंटरव्यू देना है किसी को, पूजा जी को, किसी को, वीना जी को। नहीं नहीं, अभी इनको पूछिए कि इनको ट्रेलर कैसा लगा। ये सब हमारे ऑडियंस, आइए भैया, ये सब मेरे लोग सब। ऑल द बेस्ट टीनू जी, वेरी नाइस मूवी, ऑल द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और टीनू सर के बारे में क्या कहेंगे, डायरेक्शन के, डायरेक्टर के रूप में, एक्शन डायरेक्टर के रूप में, कितने टपक के जाना। टीनू जी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी सच अ बिग नेम और ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन ऑल द फील्ड्स, बी डायरेक्शन एंड एक्शन। एंड टीनू जी को मतलब हम इतना पहले से जानते हैं, एंड ही इज सच अ सुपरस्टार, एंड आई विश हिम वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस मूवी। और इनके गाइडेंस में कितना सफल करियर होगा आपका फ्यूचर का? सी वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आई एम श्योर वो हमें गाइड अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेट पे मेरा एक अलग रूप होता है, अलग नेचर होता है, लेकिन मेरे एक्टर और एक्ट्रेस